देखिए आज एफएनजी रोड पर अंडरपास के पास हमारी टीम 63 की एसएचओ सभी लोग चेकिंग कर रहे थे, उसी दौरान एक स्कूटी से व्यक्ति आता हुआ दिखाई पड़ा। उसको रोकने का प्रयास किया गया तो बहुत तेज़ी से वो भागा और पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की उसने। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा पुलिस पार्टी ने भी फायरिंग की, जिससे उस बदमाश के पैर में गोली लगी है। उसका नाम जला भुना है। ये गैंगस्टर में 63 से वांछित चल रहा था। इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन के करीब मुकदमे हैं। इसे अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से स्कूटी, तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। इस पर पूर्व से ही 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इसके अन्य क्रिमिनल हिस्ट्री का हम पता कर रहे हैं।